प्रभाग क्रमांक 12 परिसरात होत असलेल्या समस्यांसंदर्भात समाजवादी पार्टीच्या वतीने महानगरपालिका उपायुक्तांना देण्यात आले निवेदन. धुळे प्रभाग क्रमांक 12 परिसरामध्ये बाल स्मशानभूमी या ठिकाणी पावसाचे मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असल्यामुळे या योग्य पाण्याचा योग्य निचरा होत नसल्यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी व साथीच्या आजारांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप लावत समाजवादी पक्षाच्या वतीने महानगरपालिका उपायुक्त विजय समीर यांना भेटून यासंदर्भात उपाययोजनात करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पालिका प्रशासनातर्फे योग्य ती खबरदारी घेऊन उपाययोजना करण्यात येण्याचे आश्वासन पालिका प्रशासनातर्फे देण्यात आले असून त्या ठिकाणी गटारीची योग्य व्यवस्था करण्याचे आश्वासन यावेळी संबंधित समाजवादी पार्टीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना तसेच परिसरातील नागरिकांना देण्यात आले आहे. यावेळी डॉक्टर सरफराज अन्सारी, तौसीफ खाटीक, अजहा शेख, रईस रज्जाक शेख, मस्तान खान पठाण, हमीद शेख इब्राहिम, फरदीन खान, शफीक शेख शफीक, अरबाज शेख, जावीद खाटीक, अनिस शेख, अजीम शेख, अजीम खाटीक, अन्सारी इद्रीस तसेच परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्या उपस्थित होते. महानगरपालिकेच्या बाहेर जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने देखील करण्यात आली. प्रभाग क्रमांक 12 में बाल शमशान भूमि है. इस बाल शमशान कई भी एक खड्डा पर पानी मौसम में वहीं का मौसम होता है और इस घान की उंगली के ऊपर इन और नगर है पर हमारी हमने विजय को निवेदन दिया और उनसे कहा कि जो पानी गटर के थ्रू वहाँ बहकर आता है उसके लिए गटर का फौरी तौर से इंतजाम किया जाए. उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम पर्यायी व्यवस्था फौरन करेंगे. एक महीने के अंदर हम उन वहाँ से एक नई गटर निकाल देंगे. गटर निकल जाने की वजह से बाल शमशान भूमि में जो पानी जमता है और वो पानी जमे रहने से वहाँ पर जो जानवर वगैरह घुस कर और बाहर नहीं निकल पाते और ऐसी हालत में उनकी मौत हो जाती है, वहाँ मर जाते हैं. ऐसे ही तरीके का कोई हादसा वहाँ किसी इंसानी बच्चों के साथ ना हो जाए इसलिए हमने उनसे जोरदार अपील की है कि इस काम को फौरन से पेशतर करने की कोशिश की जाए. उन्होंने भी हमें से भरोसा दिलाया है कि हम जल्द से जल्द इसको पूरा कर देंगे.